हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। बहुत दिनों बाद देहरादून शहर में था, 17-18 दिन से व्लॉग शूट नहीं किया और आज जा रहा हूँ अभी घर, क्योंकि पूजा है घर में, तो थोड़ा जरूर जाना। और अभी खड़ा हुआ है SBT में, बज गया 3:20 और पिथौरागढ़ वाली डिपो पकड़ रहा हूँ मैं, 3:30 वाली, जो कि 12 बजे कल पहुँचाएगी मुझे पिथौरागढ़। कई दिनों से नहीं बनाया था, मैंने कहा आज शूट कर लेते क्योंकि हरिद्वार मुझे दिन में दिख जाएगा और कभी दिखाया भी नहीं मैंने पिथौरागढ़ टू। चार्ज कर नहीं रखा, अचानक प्लान बना था मेरा आज जाने का, वरना कुछ दिनों बाद जाने का था। चार्ज मेरे पास 62 है, देखो टिक गया तो। और 28:20 वाली गाड़ी अपनी, ये वाली सभी जगह की बस लगी है, अभी सब जा रखे तो इधर पे खाली है, उधर तो पूरा भर है। अपनी बस है यहाँ पे, ये रही 28:20 पिथौरागढ़ डिपो सोर घाटी डिपो। ये है भाई टिकट 820 रुपये किराया और मैं कुछ कर ला। उधर से हरिहर की बॉडी से होते हुए हाँ, ये पूरा गंगा ही है, आगे भी गिर गई है ऐसे। अब पहुंच गए हरिद्वार बस स्टॉप, आगे भी वो होता है। ये तो 7 बजे जाएगी था। फाइनली अब पहुंच चुके हैं हरिद्वार बस स्टॉप, देखिए अभी कितना बड़ा है भाई, बहुत बड़ा है हरिद्वार बस स्टॉप। और यहाँ से चलेगी अब 6:30 में 5:30 बजे है। ब्लॉग में दिखाया था जब मैं देहरादून जा रहा था इस कोने से पूरा उस कोने तक है, अभी जाता नहीं, मेरे को भूख लगी है पूरा इस कोने से उस कोने पूरा। नागपुर पे भाई कई बसें लग रखी है, एक के पीछे कई ज़्यादा, सब बसें निकलेंगी क्योंकि गेट 5 बजे खुलता है, सब मिलने लाइन से। फिलहाल कनकपुर स्टेशन पे सुबह के 3 बजे पहुँचा दिया था, अभी 3:30 बजे हम निकलेंगे। अब पहुँचे सिंगाड़ी और सब बसें सुबह एक साथ गेट खुलता है तो सब एक साथ पहुँचती है, 4 बसें, 2-3, 4-5। और अब मैं खड़ा हूँ पराठे सिंगाड़ी से, बढ़िया आलू गोभी के पराठे, सब्जी और रायता 60 रुपये प्लेट। प्यारी तरीके से लगी है 4 रोड, एक इधर, एक उसके पीछे, एक उसके पीछे, 2 चले गई। गांव के आधे रास्ते में पहुंच गया हूं, जहां पानी का नल था पानी के वहां पहुंच गया हूं। रास्ते में पास चार्ज एक रतिन था क्योंकि अचानक प्लान बना था तो मम्मी लोग आए थे, किसी को नहीं दिखा पाया, कब मार्केट में जाओ तो दीदी के कमरे में गया खाना खाने, खाना खा के तब थोड़ा चार्ज हुआ, फिर थलमानी वाली सीधे बस मिल गई, सीधे बैठा और चलते चलते यहाँ पहुँच गया। बस 1 घंटे, आधे घंटे का करीब घर तक का रास्ता पैदल पैदल, उसके बाद घर पहुँच जाते हैं। फाइनली पसीना हो गया चलते चलते, थोड़ा सामान तो था नहीं फिर भी पसीना हो गया।